যে নেতারা এখন বলছেন ভারতীয় পণ্য বর্জন করেন, তাদের বউদের কয়খানা ভারতীয় শাড়ি আছে? অপোনেন্টস কো জো হ্যায় না ও উড়া কে রাখতি হ্যায় ক্যোঁকি উনকে অপোনেন্টস ক্যাম্পেইন ইন্ডিয়া আউট চলা রহে থে। এক কাহানি কবি পাকিস্তান আপনি আওয়াম কো নাহি সুনায়েগা, ইয়ে তহস নহস ক্যোঁ হো রহি হ্যায়। वो कहती है इंडियन प्रोडक्ट्स का जरूर बायकॉट करें, लेकिन पहले अपनी वो जो आपकी जो इंडियन साड़ी या जो उनकी बीवियों ने पहनी है ना, जो उनकी क्लोजेट्स में पड़ी हो, उनको आग लगाएं। देश या शेख हसीना शायद ये जानती हैं या ये उनको मालूम है तरह किया गया, तो फिर ये देख लो कि तुम्हारे साथ होगा क्या। और दो तिहाई अक्सरियत तो दूर की बात है, ये अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मैडलिंग नहीं की, वजह से उनकी पूरी की पूरी पार्टी इलेक्शन हार गई है। कैंपेन के ऊपर वो पहले जो है मालदीव्स में वो वाली कैंपेन चली है, और आपको पता है मालदीव्स और इंडिया के जो ताल्लुकात में रखना आया था या जो भी उनके रिलेशंस के हवाले से खबरें थी हम आप तक पहुंचाते रहे, तो मालदीव्स और इंडिया के उस झगड़े के बीच मालदीव्स की तरफ से इस तरह की कैंपेन चलाई गई। बीबियों को जला दो, क्योंकि जो बीएनपी है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। जॉब नहीं है, यूथ है, घरों की जिम्मेदारियां हैं, पैसा जेब में नहीं है। इस खबर के मेरा नहीं ख्याल है कोई और इतनी इंपॉर्टेंट खबर हमें कहीं भी नजर आई है। इसके इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री से देखें तो आज तक ये मामला जो है ये हम इसकी सरगोशियां सुनते आए हैं और इसके इम्पैक्ट सफर करते आए हैं। देखिए इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इंडिया आउट के नारे लगाने वाले कुछ लोगों को लगाई फटकार, क्योंकि बांग्लादेश के बीएमपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने कैंपेन बायकॉट इंडिया स्टार्ट किया था। मालदीव के इंडिया आउट कैंपेन के बाद कई लोग हैं जो अपनी राजनीतिक फायदा के लिए उसी तरह का कैंपेन बांग्लादेश में भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम्प्लीटली बांग्लादेश में ख़त्म हो जाना चाहिए। जब इसकी डिमांड बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर बढ़ गई, इंडिया आउट की हैशटैग जो ट्रेंड कर रहे थे, तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने फटकार लगाते हुए कहा, चलो इंडिया को बायकॉट करना है ना, चलो ठीक है, जो आपकी बीवी इंडियन साड़ी पहनती है उसे जला दो, और भारत का जो मसाला हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम खाते हैं उसे भी जला दो। ये सब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को बोलनी पड़ी, क्योंकि इंडिया आउट से बांग्लादेश को ही नुकसान होगा। जैसे इंडिया आउट के बाद मालदीव का हाल हुआ है, वही हमारा भी हो जाएगा। जो हाल आज पाकिस्तान और मालदीव का है वही बांग्लादेश में भी हो जाएगा। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जय हिंद। इस वक्त जॉइंट इंडिया पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। इसकी वजह यह है कि अब दुनिया के इलेक्शंस में भी इंडिया की बात की जा रही है, यानी इलेक्शंस कहीं कंट्रीज में हो रहे हैं लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं, इंडिया की। और क्यों कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स जिसमें इंडियन साड़ी, आप जानते हैं कि इंडिया की साड़ी जो है वो पूरी दुनिया में बहुत शौक से पहनी जाती है, और ख़ास तौर पर जब हम इंडिया के स्पाइस की बात करते हैं, मसालों की बात करते हैं, तो आपको पता है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी सब कॉन्टिनेंट में, वो किस लिए आई थी? वो तो उन मसालों की तलाश में आई थी, और वहां से जो है वो स्पाइस लेकर जो है वो गई, और उसके बाद जो है आपको पता है कि फिर वहां पे क्या क्या कुछ हुआ। लेकिन के इस वक्त बांग्लादेश में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें शेख हसीना ने अपने ओपोनेंट्स को जो है ना वो उड़ा के रख दिया, क्योंकि उनके ओपोनेंट्स कैंपेन इंडिया आउट चला रहे थे। कैंपेन के ऊपर वो पहले जो है मालदीव्स में वो वाली कैंपेन चली है, और आपको पता है मालदीव्स और इंडिया के जो ताल्लुकात में रखना आया था या जो भी उनके रिलेशंस के हवाले से खबरें थी हम आप तक पहुंचाते रहे, तो मालदीव्स और इंडिया के उस झगड़े के बीच मालदीव्स की तरफ से इस तरह की कैंपेन चलाई गई। लेकिन बांग्लादेश के इलेक्शन में जो अपोजिशन है बांग्लादेश की, उसने ये हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। शेख हसीना की ललकार ये थी कि अगर ये बायकॉट करना चाहते हो तो पहले तुम अपनी बीवियों की साड़ियां जलाओ, अगर तुम इंडिया के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करोगे तो तुम्हें अपनी बीवियों को जलाना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा बर्न योर वाइव्स, यानी बर्न योर वाइव्स साड़ीज, यानी जो साड़ियां वो पहनती हैं पहले वो कहां से आती हैं। फिर उन्होंने कहा कि पहले आप जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, जो स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं इंडिया के, आप उनको आग लगाएं। शेख हसीना ने अपनी जो ऑपोजिशन है उसको उड़ा के रख दिया है और कहा है कि ये तुम कैसे कर सकते हो, यानी इंडिया का बायकॉट तुम कैसे कर सकते हो, उसकी प्रोडक्ट्स को तुम कैसे बंद कर सकते हो। हमें ये एक फेनोमेना ऐसा नजर आता है कि जिसमें
कभी जो है वो सुपर पावर्स जिनकी बात की जाती थी कहीं पर, देखे ना पाकिस्तान में कैसे, वो आपको पता ही जो होता है पाकिस्तान में क्या होता है, कोई भी बात हो, कोई भी झगड़ा हो, उसमें ले आते हैं ये तो सारा किया धरा अमरीका का है, कुछ भी होना उनकी तरफ से, मतलब क्या कहें अब हम इसको, ये जो चूरन बेचा जाता है, कुछ भी हो तो यहूद और नसारा की साजिश होती है पाकिस्तान की तरफ से, भाई ये तो उसकी साजिश है, ये तो वो है, तो बात इस तरह की जाती थी क्योंकि अमरीका ताकतवर कंट्री है, अमरीका से आप एड भी लेते हैं, पैसा भी लेते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ ही बोलते हैं, यानी या तो आप एड लेना छोड़ दें अमरीका से, आप पैसा लेना छोड़ दें, पाकिस्तानियों को चाहिए वो कहें कि सिर्फ ये नहीं बल्कि IMF का भी बॉयकॉट करें, IMF का पैसा लेना बंद करें और हम जो है हम आपके साथ हैं, फिर तो सही है, फिर तो जबरदस्त बात है, जो आपके नेबर्स हैं उनके साथ आप ट्रेड करें, अगर आपकी इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट होती है पाकिस्तान की, आप जानते हैं, तो पाकिस्तान की और इंडिया की ट्रेड से पाकिस्तान को फायदा होगा, एक तो ये कि जाहिर है कि ट्रेड स्टार्ट होगी, आप ही को फायदा होगा, एक इतने बड़े कंट्री के साथ, इतनी जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, अभी अगले 5 सालों के अंदर वो थर्ड लार्जेस्ट बन जाते हैं, तो आप दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी से ट्रेड नहीं कर रहे सिर्फ इस वजह से कि आपको बायसेस हैं, कि आप कह रहे हैं कि भाई ये तो भाई हम तो, आपको पता ही है, एक तरफ जहां आप यहूद और नसारा के नाम पर KFC को आग लगाते हैं, वहीं पर आप हिंदुओं का नाम लेकर जो है वो आप कहते हैं कि ट्रेड नहीं करनी, अच्छा सिर्फ यही नहीं दुश्मनी का नाम लेकर भी, वो भी तड़का लगाया जाता है, पता ही आपको। तो बांग्लादेश या शेख हसीना शायद ये जानती हैं या ये उनको मालूम है कि अगर इस चीज का किया गया, इस तरह किया गया, तो फिर ये देख लो कि तुम्हारे साथ होगा क्या। अगर आपको याद हो तो मैं बहुत देर पहले आपको कहता रहा कि बांग्लादेश को भारत ने बहुत सारी पावरफुल ताकतों से बचाया। मैं आज ही बयान पढ़ रहा था, अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं जो उबैदुल्ला कदीर साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से बहुत सारे जो ताकतवर मुल्क हैं उन्होंने बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर नहीं किया, मेडलिंग नहीं की, बिकॉज शेख हसीना वाजिद इज़ इन अ गुड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं चाहते थे कि अमेरिका इतनी टफ लाइन ले कि चाइना को स्पेस मिले, दैट वॉज सो सिंपल। इसमें इससे क्लियर लाइक ए ब्रॉड डे लाइट, बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए थी। अब ये जो बहुत सारे वो जिसे कहते हैं ना अपोजिशन, BNP ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं और बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया इज प्लेइंग वेरी क्रूशल रोल। तो गोलाबारी जो है वो हो रही है, जिस पे शेख हसीना वाजिद जो है उन्होंने बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP लीडर्स को ये कहा है कि अपनी बीबियों को जला दो, क्योंकि जो BNP है वो कह रहे हैं कि इंडियन साड़ीज का बायकॉट करें। और इस पे ऊपर जो आप देखें, इंडिया जो है इट इज एवरीवेयर इन द रीजन, यानी कि एक वक्त होता था अमेरिका फैक्टर यूज टू बी डिस्कस इन पॉलिटिक्स, जैसे पाकिस्तान में अमेरिका डिस्कस होता है, प्रो अमेरिका एंटी अमेरिका, बांग्लादेश के अंदर इट्स एंटी इंडिया प्रो इंडिया, ठीक है जनाब। और कंपेन चलाई BNP ने कि जी इंडियन प्रोडक्ट्स का बैन करो, ठीक है। शेख हसीना वाजिद जो हैं उन्होंने कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, लेकिन अपनी जो इंडियन वो जो साड़ीज हैं जो उनकी बीवियां पहनती हैं उनके समेत जला दें सारा कुछ। और इवन के इस हद तक भी बात चली कि जो स्पाइसेस हैं वो भी खाना बंद करो, तुम क्यों बांग्ला इंडियन स्पाइसेस जो खा रहे हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बांग्लादेश के लिए इंडिया से रिलेशन अच्छा रखना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार इंडिया ने इंटरनेशनल लेवल पर बांग्लादेश को बचाता आ रहा है। हाल ही में अमेरिका ने बांग्लादेश पर सैंक्शन लगाने जा रहा था। अमेरिका का कहना था कि बांग्लादेश में फेयर इलेक्शन नहीं होता है। बांग्लादेश को इंडिया लगभग $14 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, वही बांग्लादेश भारत को करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।